नवी मुंबई की राजनीति में फिर एक नए विवाद को जन्म देते हुए एरोली के विधायक तथा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री गणेश नाइक के खिलाफ बलात्कार और धमकी देने के मामले में शिकायत दर्ज करने वाली दीपा चौहान ने अब अपनी यही शिकायत वापस ले ली है। पुलिस थाने में लिखित पत्र सौंपते हुए दीपा चौहान ने यह साफ लिखा है कि गणेश नाइक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उन्हें बेलापुर की बीजेपी विधायक मंदा म्हात्रे और शिवसेना नवी मुंबई जिला प्रमुख विजय चौगुले ने उकसाया और कहा कि क्या वो गणेश नाइक के चरित्र का हनन करने के लिए उनकी मदद करेगी, जिसके लिए बदले में मंदा म्हात्रे और विजय चौगुले ने दीपा चौहान को चुनाव लड़ने का मौका देने के साथ उधर निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता करने का भरोसा दिया था। मगर अब जबरदस्त यू टर्न लेते हुए दीपा चौहान ने अपने द्वारा की गई शिकायत को पीछे ले लिया है। दरअसल अप्रैल 2022 में दीपा चौहान ने बीजेपी नेता तथा विधायक गणेश नाइक पर बलात्कार करने तथा रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का आरोप लगाकर नवी मुंबई की राजनीति में तहलका मचा दिया था, जहां गणेश नाइक ने भी उस समय सच्चाई जल्द सामने आएगी यह संकेत भी दिए थे। और आज गणेश नाइक की यही बात सच साबित हुई और यह कहना गलत नहीं होगा। गणेश नाइक को लेकर आई इस बड़ी खबर के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर छाई है, जहां सोशल मीडिया पर गणेश नाइक समर्थक सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, यह कहकर अपने नेता के विरोधकों पर हल्ला बोल करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।